जम्मू में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, फेंका गया ग्रेनेड। आतंकी हमले में कोई भी घायल नहीं, बतोट डोडा रोड पर हुआ हमला। आतंकी हमले में 2 से 3 आतंकी शामिल होने की आशंका, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, अक्टूबर में एलओसी पर 4000 आतंकियों की करा सकता है घुसपैठ। भारी बारिश के बाद पटना में सैलाब जैसा मंजर, पौश इलाके पाटलिपुत्र कॉलोनी में बुरी तरह जलभराव। पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक अफसर के घर में जलभराव, घर तक जाने के लिए लोहे का पुल बनाने की आई नौबत। जलभराव से सड़कों का बुरा हाल, रिहायशी इलाके में दरिया में जैसा मंजर। मोटरसाइकिल फंस गई आपकी? फंस गई भाई, रिपोर्ट कार्ड लेने आए थे। डॉन बॉस्को में इतना पानी है, पूरा भरा हुआ है। जी पूरा। क्यों निकलेगा? रिपोर्ट कार्ड बच्चा का लेना था, आज रिजल्ट था डॉन बॉस्को में। जलभराव से पटना के निचले इलाके में घर घर में तालाब सा मंजर। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत आईएनएस खंडेरी नौसेना में शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिखाई हरी झंडी, जल्द आईएनएस नीलगिरी भी नौसेना को होगी सुपुर्द। आईएनएस खंडेरी से भारत की नेवी की क्षमता में कई गुना इजाफा, 40 से 45 दिनों तक सफर करने की आईएनएस खंडेरी की क्षमता। राजनाथ सिंह ने कहा तटीय क्षेत्र में 26/11 जैसी साजिश रच रहे आतंकी, लेकिन भारत पूरी तरह सतर्क। कुछ देर में अलीगढ़ में पढ़ने वाले कश्मीर के छात्र छात्राओं से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे स्वागत। शहीद भगत सिंह की जयंती, आज पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। जलियांवाला बाग में आतंकवादी विरोधी फ्रंट ने शहीद भगत सिंह के स्मारक पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन, युवा पीढ़ी को देश पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहने का दिया संदेश। लता मंगेशकर का जन्मदिन आज, 90 साल की हुई स्वर कोकिला। सचिन तेंदुलकर ने वीडियो ट्विटर ट्वीट कर लता मंगेशकर को दी जन्मदिन की बधाई। ओडिशा के चर्चित चित्रकार सुदर्शन पटनायक ने समंदर के किनारे रेत पर चित्रकारी कर दीदी को दी जन्मदिन की बधाई, लंबी उम्र की कामना की। दिल्ली में किफायती कीमत पर प्याज बेचेगी केजरीवाल सरकार, आज कई इलाकों में प्याज से भरे वैन को सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। नारदा सिंह मामले में बीजेपी नेता मुकुल रॉय को सीबीआई ने भेजा समन, आज दोपहर होगी पेशी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिनों का कोलकाता दौरा, सियासी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की करेंगे तर्पण। दंतेवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा की जीत मिलने के लिए समर्थकों का लगा तांता, देवती कर्मा समेत भावुक हुआ पूरा परिवार। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की खुदाई करने वाले एसआई के तत्कालीन पुरातत्वविद के मोहम्मद का दावा, लेफ्ट इतिहासकारों ने मुद्दे को भटकाया, हिंदू समुदाय को काफी पहले ही दे देनी चाहिए थी विवादित जगह। बिहार के खगड़िया में रिंग बांध टूटा, कई गांव में आई बाढ़। शिवहर में 3 दिनों की बारिश से हाई अलर्ट, डीएम ने अधिकारियों की छुट्टी की रद्द। कटिहार में बाढ़ का कहर, लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की और बढ़ाई मुश्किलें। झारखंड के रामगढ़ के रजरप्पा में दामोदर और भैरवी नदी उफान पर, कई दुकानें जलमग्न। मूसलाधार बारिश से हैदराबाद के निचले इलाके में जलमग्न, तेज बारिश में कई गाड़ियां बह गई। आगरमालवा में पुल पार करते समय तेज बहाव में बाइक समेत बहा युवक, लोगों ने दौड़कर बचाई जान। मध्य प्रदेश के सागर में मासूमों की हत्या के विरोध में वाल्मीकि समाज का विशाल प्रदर्शन, प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फांसी दिए जाने की मांग की। कन्नौज के बाद अब महोबा में अभद्र टिप्पणी करने पर वकील और लेखपाल भिड़े, दोनों पक्षों को एसडीएम ने बुलाकर मामला शांत कराया। दिल्ली पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फरीदाबाद में 3 तलाक का मामला आया सामने, केस दर्ज, आरोपी पुलिस के गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में नाबालिग बच्ची से रेप, पुलिस ने आरोपी को भी नाबालिग बताया। मथुरा में संदिग्ध रूप से झुलसे प्रेमी प्रेमिका, प्रेमिका की मौत, प्रेमी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ पुलिस की 50 मिनट में 2 मुठभेड़, 2 अपराधी को लगी गोली जबकि 3 भागने में कामयाब। वाराणसी में सेना की फर्जी वर्दी में घूमने वाला शख्स गिरफ्तार, बेरोजगारों को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठता था पैसे।
बरेली में सरकारी दफ्तर में जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा, लाखों की रकम भी जब्त। हापुड़ में 4 घंटे में दूसरी बार हुई मुठभेड़, बदमाश घायल। देवरिया में महिला कांस्टेबल सुसाइड मामले में आरोपी सिपाही को भेजा गया जेल, खुदकुशी से पहले आरोपी सिपाही से फोन पर हुई थी बात। बिहार के हाजीपुर में कारोबारी के घर में घुसकर पुलिस ने की मारपीट, पीड़ित ने थानेदार सहित कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में दर्ज करवाया केस। आगरमालवा में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस पर ही दागी बंदूक की गोली, घायल पुलिसकर्मी को उज्जैन किया गया रेफर। बरेली में हनुमान मंदिर में चोरों ने हाथ किया साफ, दान पत्र का ताला तोड़कर ले गए पैसे। अयोध्या में रिश्वत लेते सीएम गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने घर से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। आजमगढ़ में एंटी करप्शन की टीम ने गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ सहायक को किया गिरफ्तार, 50,000 घूस मांगने का मामला। राजस्थान के करौली में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, झोला छाप डॉक्टर फरार। बोधगया के होटल रिजेंसी में डांसर लड़कियों के साथ अश्लीलता करने और मारपीट के मामले में केस दर्ज, मेडिकल रिपोर्ट में 2 लड़कियों से दुष्कर्म का मामला आया सामने। कटरा में नवरात्र के मौके पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। पुरी में पार्टी में 2 शख्स ने हवा में दनादन की फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। हैदराबाद में एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने दिया धरना, निजीकरण के खिलाफ उठाई आवाज। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। उड़ीसा के जाजपुर में 30 साल से जंजीरों में बंधे मानसिक रूप से बीमार शख्स को मिलेगी आजादी, डीएम ने जंजीर खोलने के दिए आदेश। असम में जंगली हाथी के हमले में एक युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम। उधम सिंह नगर में हाथियों का तांडव, गांव में घंटों तक मचाया कोहरा। महोबा में बारिश और तेज हवाओं से गिरा बरगद का पेड़, 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग के छोटे भाई बने एचपीसीए के अध्यक्ष, इससे पहले 17 साल से अनुराग ठाकुर थे एचपीसीए के अध्यक्ष। शिमला में सेफ फेस्टिवल का आयोजन, विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 2 दिनों का रखा गया कार्यक्रम। दिल्ली में रामलीला मंचन से पहले कलाकारों ने बांधा समा, पॉप सिंगर जस्सी ने लोगों को थिरकने पर किया मजबूर। राजस्थान के जोधपुर में 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत, 15 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में घुसा तेज रफ्तार बाइक सवार, कैमरे में क्या तस्वीर। पंजाब के बठिंडा में 2 नवजात बेटियों की नहर में फेंककर हत्या, नानी और मामा पर आरोप। राजस्थान के बाड़मेर में सामूहिक बलात्कार की पीड़ित छात्रा ने दी जान, पानी के टैंक में कूदकर खुदकुशी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुराने 500 और 1,000 के नोटों को एक्सचेंज करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। रंगाटाई पर नहीं सुलझा जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों का विवाद, जियो ने 30 सेकंड की मांग की जगह 25 सेकंड किया टाइम। ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत वाले विशेष केसों के लिए आयकर भरने की तारीख 31 अक्टूबर, सीबीडीटी ने जारी किया स्टेटमेंट। जीएसटी रिफंड के जल्द भुगतान का रास्ता साफ, शुरू किया गया ऑनलाइन रिफंड का प्रोसेस। एमजे हेक्टर के चहेतों के लिए खुशखबरी, 29 सितंबर से दोबारा बुकिंग शुरू करेगी कंपनी। 31 अक्टूबर को ब्रेक्सिट के बाद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे जैगुआर लैंड रोवर के प्लांट, बीएमडब्ल्यू टोयोटा के प्लांट भी 1 नवंबर को बंद।